नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार की राजनीति में एक अलग सी बदलाव की जो सुबुगाहट है वो कहीं ना कहीं तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से लगातार नेताओं के दिल्ली जाने का सिलसिला है और जिस तरीके से नेता एक दूसरे पर काफ़ी सॉफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि क्या बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने के संकेत हैं। आपको बता दें कि बीते ही दिनों बीजेपी से बागी हुए नवनिर्वाचित MLC सारण से MLC सच्चिदानंद राय ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। प्रशांत किशोर से इस मुलाकात के बाद से राजनीति गलियारे में प्रशांत किशोर और सच्चिदानंद राय की मुलाकात कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। जिस तरीके से सच्चिदानंद राय ने बीजेपी से बागी होकर के सारण से MLC का चुनाव लड़ा, तमाम नेता उनके साथ हैं और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुने गए। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुने जाने के बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उनके साथ लगातार मिलने का सिलसिला जारी कर दिया। जदयू के कई नेता सच्चिदानंद राय से मुलाकात करते हुए दिखे थे, राजद के भी कई नेता सच्चिदानंद राय से मुलाकात किए थे। खुद सच्चिदानंद राय राजद के साथ, जदयू के साथ जो हैं वो मिलते हुए नज़र आए थे। ऐसे में अब सच्चिदानंद राय प्रशांत किशोर से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, वो मुलाकात की है जब उन्होंने ट्विटर आईडी से इस बात की जानकारी दी है। लगभग ये मुलाकात एक घंटे तक चली है। एक घंटे में चलने के बाद से आखिर क्या कुछ बातें हुई हुई, आखिर क्यों सच्चिदानंद राय से ऐसे, पहले में कई नेताओं से वो मुलाकात कर चुके हैं लेकिन एक घंटे की ये मुलाकात प्रशांत किशोर से कहीं ना कहीं सच्चिदानंद राय और प्रशांत किशोर के बीच के जो रिश्ते हैं इन दोनों में काफ़ी मजबूती के साथ नज़र आ रहे हैं। अब ये कयास जताए जा रहे हैं कि सच्चिदानंद राय प्रशांत किशोर के जो आगामी चुनावी कैंपेन है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में उन्होंने एंट्री की है, हालांकि पार्टी नहीं बनाने की बात कही है लेकिन आने वाले समय में ऐसा, जैसा कि उन्होंने उनकी बातें जो निकल करके सामने आ रही हैं, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी के साथ बिहार के राजनीति में जो है वो एंट्री कर सकते हैं। ऐसे में सच्चिदानंद राय और प्रशांत किशोर की ये मुलाकात कई मायने में खास मानी जा रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर के कई जो चीज़ें हैं उसमें सच्चिदानंद राय जो हैं वो साथ दे सकते हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि अक्टूबर में वो पैदल मार्च करेंगे, बिहार के उन तमाम जिलों में, तमाम जगहों पे जाएंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे और साथ ही बिहार सरकार के जो नाकामियां हैं उसको लोगों तक पहुंचाएंगे और उजागर करते हुए नज़र आएंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर और सच्चिदानंद राय की ये मुलाकात कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि सच्चिदानंद राय प्रशांत किशोर के जो कैंपेन है उसमें जो है हिस्सा बन सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर और सच्चिदानंद राय की मुलाकात हुई है, तस्वीरें देखिए आप, ट्विटर आईडी पर उन्होंने पोस्ट जो लिखा है वो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि अभी तो शुरुआत है, अभी अंत तक कहाँ तक जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये इनकी ये मुलाकात कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में एक अलग सुगबुगाहट की संकेत दे रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में इन दिनों लगातार नेताओं का मिलने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं तेज़ है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में एक नए राजनीति की सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो सकती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है खबर पर, राय जरूर देते जाइएगा। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।